आदिवासी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदिवासी संगोष्ठी 2024 का आयोजन नागपुर के वनामती में किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत कर आदिवासी छात्रों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने इस मौके पर आदिवासी छात्रों को अलग अलग क्षेत्र में नई नई तकनीकी को विकसित कर अलग अलग तकनीकी पर काम करने की सलाह दी। उन्होंने इसके लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन भी इस मौके पर छात्रों को दिया। हमारे संवाददाता ने इसी कड़ी में वैभव मर्जा से बात की। उन्होंने बताया कि वेयर इस दिशा में आदिवासी महिलाओं के साथ मिलकर महुआ फूलों के कई प्रकार की मिठाइयां बनाई हैं, जिसे लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। इन मिठाइयों में लड्डू, पेड़ा, जाम, मोदक, बर्फी, चिक्की, महुआ रोटी, पूरन जैसी पूरी, कुकीज, सिरप जिसे राब भी कहा जाता है, चकली, अंडे वाला केक आदि चीज बनाई है, जिसे लोगों ने सराखों पर लिया है। आइए देखते हैं एक झलक। सर, कोविड में जब सैनिटाइजर मिल नहीं रहा था तो आदिवासी महिलाओं ने महुआ के दारू से सैनिटाइजर बनाना शुरू किया। तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर अल्कोहल है तो उसमें शुगर परसेंटेज भी है। जब मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा अभ्यास किया तो पता चला कि उसमें करीब करीब 60-70% नेचुरल शुगर है। तो जब उसमें नेचुरल शुगर है तो उसी का ही उपयोग हमने स्वीट्स बनाने में उपाय उसका उपयोग करना चाहिए। तो उसी से ही स्वीट्स के महुए के स्वीट्स के तरफ मेरा ध्यान गया। अभी हम लोग महुए का लड्डू, पेढ़ा और बर्फी बनाते, साथ ही में हम लोग अभी उसके कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स के भी प्लानिंग में हैं। उन्होंने जब वहाँ पे वार्तालाप शुरू था उसी समय उन्होंने ये प्रश्न उन्होंने ये बोला कि महुए से चॉकलेट या फिर कोई भी जो खाने की वस्तु है वो आपने बनाना चाहिए। और जब उन्होंने हमारे ट्राइबल बाज़ार के स्टॉल की तरफ विज़िट किया तब मैंने उनको महुए के पेड़े के बारे में बताया। उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे ये टेस्ट करना है और उन्होंने वो उसका टेस्ट भी किया।